275 pounds, VEER MAHAN! Ishan unbeaten rahe hai ye. WWE mein ko koi nahi hara paya, koi aankh nahi paya inko abhi tak. Aa gaye VEER MAHAN aur aaj ek aur baar wo kamar todne ke liye Dominic ki. Humne bahut intezar kiya tha VEER MAHAN ka. आखिरकार आ गए और आते ही डोमिनिक मिस्टीरियो पे धावा बोल दिया है, नमस्ते कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये इस नमस्ते के बाद अच्छा टाइम नहीं होगा डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। बेशक अगर मैं ऐसा नमस्ते करूं अपने घर पे तो मुझे पड़ जाएगा चमाट। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो लड़ते हैं। बाप रे बाप, डोमिनिक थोड़ा जिगर दिखाते हुए, पर मिला तो एक शोल्डर टैकल। देखिए VEER MAHAN अपने आप को शेर ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, उनको देखिए, इनकी कद काठी देखिए, 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचे हैं, लगभग 200-250 पाउंड का वजन। और शक, ओ माय गॉड, ओहो हो, इस शक्ति और एथलेटिसिज्म का जो मिक्सचर लेके आए हैं VEER MAHAN, ये शानदार होने वाला है WWE में। बिल्कुल, VEER MAHAN ने उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, डोमिनिक मिस्टीरियो बचाए अपने आप को। ओ, यहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए हाई क्रॉस बॉडी की कोशिश, पकड़ लिया और VEER MAHAN ने सीधा बैरिकेड में भेज दिया है। क्या खतरनाक ताकत, रोप्स के ऊपर से क्रॉस बॉडी दिया, पर शानदार पिकअप VEER MAHAN का, और ये मिलियन डॉलर आर्म। ओहो, अब डोमिनिक मिस्टीरियो तो नहीं बच सकते, खत्म, खेल खत्म। बिल्कुल, आप सबको याद दिला दें कि VEER MAHAN एक पिचर हुआ करते थे बेसबॉल के लिए, तो मिलियन डॉलर आर्म तो बनता ही है उनका, इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है अगर आप नहीं जानते तो। भारत का नाम रोशन किया है बेसबॉल में और आप WWE में मिलियन डॉलर आर्म, और आंखों में देखिए मजा आ रहा है डोमिनिक को पहुंचाने के लिए। ये रेफरी को शायद मैच रोकना पड़ेगा, एक और सर्विकल क्लच VEER MAHAN की तरफ से टैप आउट कर रहे हैं। ओ, VEER छोड़ना नहीं चाहते आखिरकार। बड़ी दया की भावना दिखाते हुए VEER MAHAN, पिछले हफ्ते के दृश्य इस हफ्ते भी, और ये क्या, अरे बाप रे बाप, VEER MAHAN डोमिनिक मिस्टीरियो पे हावी ही नहीं, उनकी गर्दन तोड़ना चाहते हैं, ये करियर एंडिंग हो सकता है अगर थोड़ी देर और पकड़ा तो। ओ नहीं, रे मिस्टीरियो के ऊपर इतना खतरनाक हमला, और अब फिर से एक बार डोमिनिक को, प्रोड्यूसर्स आते हुए यहाँ पे, रेफरीज, कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है VEER MAHAN को अलग करने के लिए। बाजुओं में इतनी ताकत, तो प्रोड्यूसर्स भी निकाल नहीं पा रहे थे। ओ, एक और बार रेफरीज नहीं रोक पा रहे, प्रोड्यूसर्स नहीं रोक पा रहे। VEER MAHAN सुनने वालों में से नहीं है। ओ, मंडे नाइट रॉम एक स्टेटमेंट देने आ गए हैं, पिछले हफ्ते से सिर्फ सविक अपना वो क्लच दिया था, और इस समय तो पूरा का पूरा स्ट्रेचर आ गया है। फिर से एक बार हॉस्पिटल की यात्रा करनी होगी डोमिनिक मिस्टीरियो को, और इस बार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डोमिनिक एक हफ्ते में तो वापस नहीं आएंगे। रे मिस्टीरियो की हालत खस्ता, डोमिनिक की क्या होगा अब?